डॉक्टर उमर आदल और आसिफ इकबाल साहब। उमर आदल साहब मैं डबल नहीं खेलता। अच्छा इवन देन राशिद कमाल भी अगर गया तो उधर जो कोई टैलेंट सी कैरियन जट्टा दी गए गंदी औलाद मजा ना स्वाद। आफ्ताब इकबाल साहब ने जिन जिन को भी खड़ा किया वो अलग हमने फिर आफ्ताब साहब के सामने खड़े हुए। मैं अज भी उन्होंने फिक्रे याद ने मैं पहली जुगत की थी वही थिएटर दे जो ठाट ठाट ठा कहते ये चाहिए। अच्छा ये है कहते आगा माजद मैंने तुझसे शाहिद खान का नंबर मांगा लेकिन दूजे दिन ही जो उन्होंने किया ना चंद एक नाम लूंगा उनके बारे में कोई एक वर्ड्स आफ्ताब इकबाल इमरान खान नवाज शरीफ हो लब लब थक गया पता चल दानी माये वाह वाह वाह। सर वल्गैरिटी कैसे आई? ऐसे मसलन उसमें भी देखो मेरे घर में आज भी वो ही पकता है ठीक है जो मैं कह के जाता हूँ। मतलब आप तेरी माँ है जरूर पूछती कि आज की पकावा मैं उन्होंने कहवा जो मर्जी पका लै लेकिन उसकी ड्यूटी है ये उसकी ड्यूटी है कि मैंने पूछती है। प्रॉब्लम है वे कि जो असी एप्रीशिएट उन्होंने लोगों को करना शुरू करता जेड़े गाला कढ़ते सन गंदे लतीफे सुनाते सुन उन्होंने प्रमोट असी आप किया साढ़े प्रोड्यूसर ने किया साढ़े डायरैक्टर ने किया कोई बाहरों बंदे नहीं आए। सर वलगर तो रमता भी बहुत सी वलगर तो मैं कह रमता भी बहुत सी मैं वलगैरिटी बुढ़िया वाले पास में पूछ रहे हैं। अब एक थिएटर है मैं उसमें काम करता था जब वो मैं गया तो वहाँ पर ना जुगते हो रही थी मैंने वो डायरैक्टर उतों का कहता खुलो तुम भी मैं सेट पे ऑन द सेट ये बात कह के वहाँ से निकला था तू भी जानता है हाँ जी हाँ जी। नाम लेना को जरूरी नहीं होता मैं कह के निकलिया कि मैनू ये काम नहीं आता मैं मिसफिट हाँ भाई जान आज तो बाद नहीं मैं इतने आवाँगा तो मैं नहीं गया उन्नी गल करो जी तुम माँ भैन के सामने कर सकते हो। मतलब मेरी माँ भैन बैठी है तो मैं कह रहा यार अज फलानी गल ना करना अज मेरी फैमिली आई है तो जी फैमिली आई वह भी साड़ी फैमिली आई है जिसने करना है शजर साहब वो आज भी नहीं करता जिसने नहीं करना उसने नहीं करना तो जिन्हें करना है उन्हें करना उन वजीर आजम की फैमिली चबालो नू थप्पड़ वजणगे जेल हो जाएगी उदा इज्जत ना की गल है कोई दौर नहीं सानू अज भी हुंदा डॉक्टर उमर आदल और आसिफ इकबाल साहब नहीं वह बड़ा अच्छा जस्टर दिता जी डॉक्टर साहब ने मैनू उन्होंने बड़े अच्छे लफ्जा च किया है कि शाहिद खान मेरा भरा है ऐसे नहीं कहा तो दोवे पर पास्यों खेड रहे है नहीं उन्होंने वो जड़े असीब भाई ने अलमरूफ गंदा गंदा अंडा हाँ जी उन्होंने चैन प्रोग्राम मैंने उन्होंने क्लिप भेजे आप तुम कहोगे तो मैं शेयर करता तो उन्होंने बगैड़ा बड़ा गुड जस्टर दिता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे कहने का मतलब होर सी तो मेरे थिएटर के भरावान ने तो मेरे वालों भी मैं उदों भी ये किया उमर आदल साहब मैं डबल नहीं खेडता मैं एक ऐसा सच्चा फनकार हाँ कि मैनू अज तक अगर जो मैं थोड़ा जहा एन हाँ ना वो सच्चाई की वजह तो मैं डबल एंड नहीं खेलता मैं तो भी गिला हों तो मैं हाँ मैं तो आदब च यह जरूर कह है कि आदल साहब तू गल ऐसी करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत थिएटर के लोग प्यार करते हैं तुम एडे अच्छे आदमी हो और मैं दिलों कहना थोड़ी गैर मौजूदगी भी हूँ भी कोई ना कोई ना सप्प फड़े हाथ च ना कोई तलवार फड़ी है कि आम उमर आदल साहब की तारीफ करनी है हसीब भाई ने मैं ये गिला सी कि यार तुसी हमेशा तुहाडी शनाख्त थिएटर के फनकार ने हनील बेला कौन है थिएटर का फनकार विक्की साहब कौन ने थिएटर के फनकार नासर चनोटी साहब वाल जाते हो थिएटर के फनकार कैसर पिया माई सैल्फ सलीम अल बेला आगा माजद सारे थिएटर के फनकार ने यह टी वी के फनकार बाद चो बने ने मैनू ये दसो कहते फलाने ने फलाने बनाता मैं एक मुंडे दो चार दिना ना तुहानू बेचारे उत्ते जिहड़े हज़ार हज़ार पाँच पाँच सौ रुपया लेंदे ने उन्होंने कराओ ना हिट करा के वाओ जिहड़ा भी एंकर मैं एक ना लैके कराओ उन्होंने हिट वो बेचारे दुआवां देणगे तुहाडी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा ईवन दैन राशिद कमाल भी अगर गया तो उहदे च कोई टैलेंट सी जी जी तद लैके गए उन्होंने नहीं बेसिक आफ्ताब इकबाल साहब यूनिवर्सिटी नो डाउट
मेकर ने लेकिन बनाती अल्लाह की जात बेशक 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 मेहनत वसीला तुसी बने हो नो डाउट अबाउट इट एक वड्डा प्लेटफॉर्म सी उत्ते छेती ध्यान पै जांदा ऐ हुण कंटिन्यूटी है कैरी ऑन जट्टा दी हां जी कैरी ऑन जट्टा मैं पहली दफा जिंदगी च कहन लगा कैरी ऑन जट्टा दी के गंदी औलाद मजा मजा ना स्वाद ये आबद खान साहब की कंटिन्यूटी है वाह मैं ड्रामे का ना तुम दस दिना जे च सत पुत्र होंगे ने उन च आबद खान साहब की यह कंटिन्यूटी है कि गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद उन्होंने व्डापन की है पला पला साहब कि पला साहब उनका जो भी ना है मौला भला करे पला उन्होंने भला करे उन्होंने कहा जी कि आबद खान साहब की कंटिन्यूटी है बड़ी बात वे लोग वही गल ही करते बड़ी बात किसी को मन लेना किसी के बड़े होने से आप छोटे नहीं होते और किसी के छोटे होने से आप बड़े नहीं होते। आफताब इकबाल साहब आपको पता है क्रिएटर हैं तो वो कहते हैं कि मैं बनाता हूँ सबको बनाए जी जिनको भी बनाते हैं वो उनको ही छोड़ के क्यों चले जाते इस बात का सवाल जो आप तो वो ही दे सकते हैं नहीं वो मैंने देखा है ना कि अक्सर आफताब इकबाल साहब ने जिन जिनको भी खड़ा किया है वो अल्लाह के सामने फिर आफताब साहब के सामने खड़े हुए हैं इसकी रीजन तो भी होगी ना कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या शाहिद खान का नंबर मांगा वो अनिल बेला मैंने तुमसे शाहिद खान का नंबर मेनू बुरे लगन डे ने भरा मेरे क्या मतलब है कि मेरी रुकावट ये सर ये नहीं सी मेरा नंबर दे रहे इन्होंने लेकिन दूजे दिन ही जो उन्होंने किया ना वो मैं वो टैंपरामेंट का काम ही नहीं सी किया मैं दुनसी हाँ मनीर साहब ना मैं काम किया है जी अनवर सजाद साहब ना मेरे हिस्से ऐसे ऐसे डायरेक्टर आए ने इस उम्र च क्योंकि जो मैं इस फील्ड इन होया ना तो नाग एक्टर तो नाग डायरैक्टर सन इफ्तखार हैदर साहब इरमान ने सन सी एम मुनीर साहब एम जे राणा साहब अफजाल अहमद साहब जेडे पौड़ियां ने सी चढ़न देंदे किसे नूं अल्लाह उन्हां दा भला करे वो कहंदे ने मैं बनाना तो बनांदे रहण अच्छा जिंदगी में आपने कभी ऐसी बात आपके मुंह से नहीं सुनी जो आज मैं सुनना चाह रहा हूं एक गाना तो सुनाए ये तो बगैदा सर्च कीता है कि मैं ये काफी इंटरव्यू च कहा कि मैनूं सब तो ज्यादा मुश्किल गाना ही लगता है अच्छा अबू बकर खान ने अगर गा लिया तो आप क्यों नहीं कोई एक गाना जो आपके दिल को अच्छा वो अबू बकर खान है मैं अबू बकर खान हूँ मैं शाहिद खान हूँ अगर मैंने गा लिया ना मैनू मेरे भतीजे भांजिया ने मेहने दे दे मार दे नहीं उन्होंने मेहने की प्रॉब्लम बनन नहीं देंगे मैं तेरे नाल साथ देंगे केड़ा फिगान लो पायनाबद दा ही फिजेन च आया बिस्मिल्लाह वो तो थिएटर का शो करके आया मैं आवाज वेखो आगे मिक टैक तो एक बूटा काये दा हाड़ा सुनिए नी एक बूटा काये दा लब लब तक गया है ओ लब लब तक गया पता आखिर में चंद एक नाम लूंगा उनके बारे में कोई एक वर्ड्स हाँ जी हसीब खान गंदांडा डिप्लोमेट आदमी जावेद कोडू सटिया गया आफताब इकबाल अपनी जात में यकता डॉक्टर उमर आदिल फुफो इमरान खान गुड क्रिकेटर इमरान रियाज खान सहाफी बाद में पता नहीं क्या हो गया नवाज शरीफ आर्टिस्ट लवर वाह बहुत सही शिबाज शरीफ हे एक बात मेरी याद रखना ये जो मैं कह रहा हूँ ये आपको भुगतना पड़ेगा एक अच्छे इंसान मेहनती इंसान आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हूँ मैसेज ये है कि आपकी जुबान से और आपके किरदार से दूसरा मुसलमान दूसरा भाई महफूज रहे
तो फिर आपकी जिंदगी है। वाह, दुनिया काम करने आई है, काम करें, खुदा रा पाकिस्तानी हो, एक दूजे की लेग पुलिंग छोड़ दो, लेग पुलिंग छोड़ दो। अच्छा चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहेंगे ही हम, पाकिस्तान है जिंदाबाद। शर्ट का कलर ऐसा क्यों पहना है आज आपने? है ये शर्ट का कलर मैंने इसलिए पहना है कि फिर मुंडा मुंडा ही लगा। आप कोई एक इंडोर्समेंट हमारे चैनल के लिए देना चाहते हो? टीवी प्रोडक्शन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इतना और इतना इसको फैला दीजिए जितना एक दफा कोरोना फैला था। पाकिस्तान जिंदाबाद।